आपने बहुत सारे शॉर्ट वर्ड का फुल नेम सुना होगा लाइक LCD, LED, RAM, ROM, CPU, लेकिन कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर मिनट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर लर्निंग डिवाइस है, इसका यूज मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि ये जो 8 लेटर का कंप्यूटर वर्ड है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल कंप्यूटर वर्ड कोई जाना पहचाना वर्ड नहीं है। ये वर्ड कंप्यूटर लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। यानी कि सिंपली हम लोग यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका यूज फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर कहते हैं। और पहले इसे कैलकुलेटर भी कहा जाता था। अब आते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म पर। ये 8 लेटर के कंप्यूटर वर्ड में सबसे पहला आता है सी, सी फॉर कॉमनली, अगर हिंदी में कहूँ तो साधारण। तो कंप्यूटर का यूज कॉमन पर्पस के लिए ही किया जाता है। पहले इसका यूज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, और पहले इसका सिर्फ इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग ही यूज करते थे, कोई कॉमन पर्सन नहीं। लेकिन 1916 के बाद माउस के इन्वेंटर डॉगलस एंजल बर्ड, थोड़ा नाम क्रिटिकल है, उसने 1984 में एप्पल के कंप्यूटर मैकिंटोश का इन्वेंट किया। तब जाकर कंप्यूटर चलाना आसान हो गया और पहले से ज़्यादा टास्क किए जाने लगे। कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है ओ, सी ओ, ओ फॉर ऑपरेशन। कंप्यूटर में आप जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब ऑपरेशन के अंडर आता है। और कंप्यूटर में ऑपरेशन करने में दो पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हमारे डेटा को कैरी करता है, और दूसरा CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कैरी किए हुए डेटा को प्रोसेस कर हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। उसके बाद कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है M, COM, M फॉर मशीन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और यह कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग, बिना इंस्ट्रक्शन के कोई भी काम नहीं कर सकता। इस पर काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग और इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसे मशीन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम और कैलकुलेशन को तुरंत सॉल्व कर देता है, जो हम आम इंसान नहीं कर सकते। उसके बाद कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है पी, पी फॉर पार्टिकुलरली, यानी कि स्पेशल। तो कंप्यूटर स्पेशल है भी। इसका यूज पहले सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, वेब सर्फिंग के लिए किया जाने लगे। आप जितने भी ऑफिस वर्क करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो सब कंप्यूटर पर करते हैं, और ये सब स्पेशल वर्क है। इन सारे वर्क को आप किसी स्मार्टफोन पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पी फॉर पार्टिकुलरली। उसके बाद कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है यू, यू फॉर यूज्ड। आप किसी भी स्पेशल वर्क को करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर को ज़रूरी कर दिया गया है। बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, और आप आगे जाकर भी देखेंगे कि हर सेक्टर में कंप्यूटर को ज़रूरी कर दिया जाएगा। कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी। आप कंप्यूटर पर कोडिंग, एडिटिंग, वेब सर्फिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड वर्क होते हैं। आज जितने भी सारे टेक्नोलॉजिकल वर्क किए जा रहे हैं, वो कंप्यूटर पर ही किए जा रहे हैं, लाइक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को बनाने के पहले या किसी भी चीज़ को असेंबल करने के पहले कंप्यूटर पर उसकी डिजाइनिंग की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, तब उसे बनाया जाता है, इसलिए टी फॉर टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर वर्ड में अगला लेटर आता है ई, ई फॉर एजुकेशन। आज कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन की तरह आया है। क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट को दोनों के लिए कंप्यूटर फायदेमंद साबित हो रहा है। टीचर स्टूडेंट के डेटा को स्टोर रखने में, अटेंडेंस मैनेज करने में, डेटा एनालिसिस करने में, किसी भी स्टूडेंट के डेटा को रख कर उसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने में मदद कर रहा है। आज कंप्यूटर के कारण ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लास चलाए जा रहे हैं, जिससे टीचर स्टूडेंट को सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, और इससे स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल के तौर पर समझने में आसानी हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर में लास्ट लेटर आता है आर, आर फॉर रिसर्च। साइंटिस्ट साइंटिफिक रिसर्च करने में कंप्यूटर की मदद लेते हैं। साइंटिस्ट डेटा को एनालिसिस कर किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज जितने भी सारे सैटेलाइट को लॉन्च होते हुए दिख रहे, चाहे वो हमारे कंट्री का हो या दूसरे का अदर कंट्री का हो, उसकी कंट्रोलिंग कंप्यूटर पर की जाती है। साइंटिस्ट सैंपल के सॉइल से लेकर किसी भी चीज़ के केमिकल के रिएक्शन को देखने, उसकी टेस्टिंग करने में कंप्यूटर की मदद लेते हैं। यहाँ तक कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें कौन सा केमिकल मिक्स हो रहा है, इसकी भी टेस्टिंग कंप्यूटर पर ही की जाती है। कंप्यूटर साइंस के हर फील्ड में रिसर्च करने में मदद कर रहा है। अब वो रिसर्च चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो या एस्ट्रोफिजिक्स इंजीनियरिंग में हो,
यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक ऑपरेटेड मशीन है जिसका यूज स्पेशली टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए किया जाता है। तो ये था कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में, और कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में कई सारे एग्ज़ाम आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।